यहाँ पर रिक्रूटमेंट को लेकर कोई भी लॉ इन्होंने अभी तक असेंबली में नहीं लाया. रिजर्वेशन को लेकर, एससी के रिजर्वेशन को हो, एसटी के रिजर्वेशन को हो, ओबीसी के रिजर्वेशन को हो, रिजर्वेशन को लेकर कोई लॉ ही इन्होंने नहीं लाया है. और इसके लिए कानूनन जो रिजर्वेशन मिलने चाहिए इन तीनों कम्युनिटियों को, वो रिजर्वेशन नहीं मिलते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के ऊपर ये लोग अपॉइंटमेंट करते हैं, मन मर्जी के अनुसार ये लोग अपॉइंटमेंट्स करते हैं. इस राज्य के अंदर एससी कम्युनिटी को, जो उनका सरकारी नौकरियों में उनको हिस्सा मिलना चाहिए, वो इसीलिए नहीं मिलता है. आज राज्य में 20% एससी हो चुके हैं, लेकिन ये कागज पर 18.71 दिखाते हैं, संख्या कम दिखाते हैं. लगभग 20% अगर एससी कम्युनिटी है, तो राज्य के बजट का अगर 20% एससी कम्युनिटी के ऊपर खर्चा होना चाहिए, ये उनकी अगर मांग है, तो उसमें क्या गलत है? लेकिन इस एससी कम्युनिटी के ऊपर 3% भी राज्य के बजट का खर्चा नहीं होता है. सबसे ज्यादा शोषण एससी समाज का ये माणिक सरकार के नेतृत्व में ये गवर्नमेंट कर रही है.